गुरुवार सुबह से ही नागपुर समेत संपूर्ण जिले में और विदर्भ में जोरदार बारिश हुई है, जिस वजह से ठंड काफी बढ़ गई। कुछ ग्रामीण इलाकों में ओले गिरे, जिससे संतरा, कपास, चना जैसी फसल का बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ है। शुक्रवार को भी बारिश का मौसम रहेगा, ऐसा अंदाज नागपुर मौसम विभाग ने जताया है। नागपुर समेत विदर्भ के लोगों को फिर एक बार बेमौसम बारिश का कहर झेलना पड़ सकता है। बुधवार देर रात से नागपुर शहर और जिले में, साथ ही विदर्भ के भंडारा, गोंदिया, अकोला, वर्धा और यवतमाल में तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई है, जिसके चलते किसानों की फसलों पर संकट आ गया है। मौसम विभाग के अनुसार नागपुर शहर और जिले में, साथ ही भंडारा, गोंदिया, अकोला, वर्धा और यवतमाल में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ आज हल्की बारिश हो सकती है और कल से मौसम खुलेगा। मौसम विभाग ने बताया है कि अरब सागर और बंगाल की तरफ से आ रही ठंडी हवाएं एक जगह मिल रही है, इसलिए नागपुर और विदर्भ में बारिश का मौसम बना है। अचानक हुई बरसात से नागपुर के तापमान में गिरावट आई है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार शहर में बुधवार रात से गुरुवार सुबह 8 बजे तक कुल 13 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गयी। तेज बारिश के बाद नागपुर के अधिकतर तापमान में गिरावट दर्ज की गयी। गुरुवार सुबह से ही हो रही बारिश की वजह से ठंड काफी बढ़ गयी है। ऑफिस जाने के समय ही जोरदार बारिश होने से लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी, साथ ही कई निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिसके चलते सड़क पर लंबा ट्रैफिक जाम भी लगा था। वहीं नागपुर के ग्रामीण इलाकों में ईसापुर, जिपला, बोरी, मेंटकी, चिकली, गोदनी, बुधवार में देर रात से रुक रुक कर बारिश हो रही थी। इनमें से कुछ इलाकों में ओलावृष्टि भी हुई है, जिसके चलते संतरे, गेहूं, चना और कपास की फसल को नुकसान पहुंचा है। विदर्भ के अकोला, यवतमाल और वर्धा जिले में भी ओलावृष्टि के चलते फसलों को भारी नुकसान की जानकारी सामने आई है। वर्धा में कुछ जगहों पर काबुली चने के आकार के ओले गिरे हैं। एक बार फिर बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते किसानों के सामने संकट के बादल मंडरा रहे हैं। ऐसे में किसानों को सरकार से ही मदद की उम्मीद है। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ एकता गहरवार की रिपोर्ट।